सुनने वाले अभी फिलहाल सिर्फ मनोरंजन पर ध्यान दें, हकीकत में ऐसा कम ही होता है। वैसे आपको एक राज की बात बताऊं जी, ये भैनचो सारे मिलके हमको पागल बना रहे पड़ेगी। और सही समय यही है क्योंकि दो मैचेस बचे हैं और कैमरा अभी भी मेरे ऊपर आया नहीं है। मैं सोचना चाहता हूँ, यस फाइनली आई एम हियर, तो क्या रिजल्ट आएगा। देखिए मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ जी, कि जमाना आजमाने के बाद मेरे पे स्विच कीजिए, खराब हो जाएगा। क्या आपका भी दिल टूटा है? देखिए एक शेर है जी कि बिखर गए थे जिंदगी में थोड़े बहुत, दिल टूटा तो फिर तोड़े बहुत। बिखर गए थे जिंदगी में थोड़े बहुत, दिल टूटा तो फिर तोड़े बहुत। आप सब लोगों ने ये अमेजिंग सा एक सूट देखा, हमने देखा, और अब मैं रावण की तरफ देखूंगा और रावण से दरख्वास्त करूंगा कि रावण मुझे अंडे वाला बर्गर दिलवा दीजिए। जी आने हैं आप रावण, यहाँ भी हैं, गेम के अंदर भी गेम के बाहर भी। अच्छा लग रहा है कि मिलते जुलते नाम है। जी हाँ, कम से कम उनको वेपन चलाना आता है रावण, जो वो वाले रावण है। आप अभी यहाँ बैठ के तो खैर मुंह ही चला रहे हैं। दो तरीके से लोग चलते हैं और कास्टर्स तो खैर अलग अलग तरीकों से चलते हैं। अगर अच्छा खेला तो वाओ, सिनर्जी अच्छी है, खराब खेला तो नहीं, थोड़ा एक्सपीरियंस की कमी रह गई। सरार जी आप ये बहुत करते हैं, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। हम बात करें तो आपको यहाँ पर लास्ट होप के पास एक जादू दिखते हैं, हम बात करें तो रियल ईस्पोर्ट्स के पास एक जादू दिखते हैं। और मेजी अगर आप सोचें एक बार तो कद काठी और चेहरे की चमक जादू तो आप भी लगते हैं। एक बार धूप बोल के देखिए आप बस। बाहर निकलते हैं, एक छोटी भीख देते हैं, डैमेज देते हैं, नॉकआउट लेते हैं और तुरंत अंदर आते हैं। बहुत फास्ट हो चुके हैं आज के टाइम पे वो रिफ्लेक्सेस। जी बिल्कुल, आपके रिफ्लेक्सेस अगर अच्छे होते तो शायद आप भी आज वहाँ पे होते। बट सारी उम्र मैं जोकर देखिए मेरा मारी वो गेम था अगर आपको याद हो, जहाँ पे पूरी स्क्वाड एक झटके में ऐसे वाइब हो गई थी एचएच के हाथों। जी हाँ, और उसके बाद फिर टॉप आए थे जिन्होंने एचएच को वाइप आउट किया था। जी जी याद है मुझे। नहीं नहीं, आप हैदराबाद हाइड्रास का हिस्सा है तो मैंने कहा बताऊं आपको कि अंत कैसे हुआ था। अच्छा बात। लग आए थे कि हाँ वो फिनिश वो निकाल पाए, पर ये जो गाड़ी में बिठाने का एक नया आप कह सकते हैं कि सिस्टम मैं कुछ और बोलने जा रहा था, आपने सिस्टम डाल दिया मेरे मुंह में। पट्टी मेजी, बचपन में होता था ना वो शरारती लड़के होते थे, बेल बजा के घर की भाग जाते थे, कुछ वैसा ही किया, वो एक नॉक किया और वहां से वो निकल गए। बॉटेक्स भी सोच रहे होंगे यार, अभी वहां से गोलियां आई थी, अभी कोई दिख नहीं रहा वहां पे। तो आपको लगता है कि स्ट्रेंज ने बॉटेक्स को बजाया और वो चले गए? काफी खूबसूरत ये नया एक सूट, और आप भी जरूर ट्राई कीजिए बीजमाए के अंदर एक सूट को। तो मुझे लग रहा है मेजी मेरा ही दिन अच्छा नहीं चल रहा है। पहले मुकाबले में वाइब्स का नाम लिया था और पहली ही टीम बन के एलिमिनेट हो गई थी वो। थोड़ा आपका संगत का असर शायद हो गया, बट यही होता है जब आपके साथ सारी चीजें सही हो रही होती हैं तो सब बढ़िया होता है, पर जैसे ही गलत होता है तुरंत आप सामने वाले को ब्लेम करने लगते हैं कि जी नहीं, आपकी भी तो प्रॉपर गलती है उसमें। देखिए हम बात कर रहे हैं स्किन्स की, बट आई गेस आपको स्किल्स की थोड़ी ज्यादा जरूरत है स्पिरो यहाँ पे। अभी मदद है भाई, अभी मदद है। दर्शित आपके पास है नया रोल पास? जी नहीं, मतलब सैड लाइफ यार, आप जानते हो मेरे पास नहीं है और फिर भी आप जले पे नमक छिड़क रहे हो। मुझे सुनाई नहीं देती आवाज जिनके पास रॉयल पास होता नहीं है। हर एक पे फायदा उठाना पड़ेगा एंड तब जाके चीजें बदल सकती है, एंड आई गेस इस चीज का फायदा ऑलरेडी जो की है वो उठा लिया जा चुका है। देखिए वो मेरे को दिखा देते हैं बीच में, कल भी हुआ था वो, मेजी की जगह मेरे को दिखाते हैं, बिकॉज़ या कम ऑन यार, है मुझसे कोई स्मार्ट बताओ खुद? नहीं तुम खुद दे, मैं ये नहीं कहता तुम मेरी बात मानो, तुम खुद देखो ना। तारीफ कर रहा था इंग्लिश टेस्ट पे, खैर नेक्रो और जॉनी मेरे मजाक उड़ा रहे थे बिकॉज सो फार परफॉर्मेंसेस नहीं आ रहे थे, बट मैंने उनको गलत साबित कर दिया स्पीरो यहाँ पे। वो आप निकल आए ना वहां से, तभी वो पनौती भी वहां से चली गई। अबे साले, उड़ते हुए गाड़ी हमने बस देखी, बट ऐसे गाड़ी चलाना सही नहीं है स्पीरो, थोड़ा सा शांत होकर चलाना चाहिए मुझे लगता है सनाव के मैप पे अंदर। आप बोल रहे हैं जिनके पास लाइसेंस भी नहीं है? मेरे पास है। गाड़ी का लाइसेंस है आपके पास? जी हाँ। शक्ल से लगता नहीं है। मेरी बर्दाश्त की एक हद है, सो प्लीज डोंट लिमिट द क्रॉस। यो भाई कह रहे थे मेरे पास लाइसेंस नहीं है, बट फिलहाल मैं एक्चुअली काफी अच्छा गाड़ी चलाता हूँ मेजी, आप बैठना कभी मेरे गाड़ी पे। देखिए ये मैंने पूछा नहीं था आपसे। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? कोशिश तो कर रहे, बगी चला रहे,
फिलहाल के लिए। और मेजी फिर से वो ड्राइविंग कॉन्वर्सेशन में वापस आना चाहता हूँ, क्या आपके पास लाइसेंस है, क्या आपको गाड़ी चलाना आता है? देखिए अगर आता भी होगा तो मैं आपको तो नहीं बिठाऊंगा। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो। अब अमेजी की चार प्लेयर्स के साथ ज्यादा बढ़िया या पांच के साथ? मैं पर्सनली पांच के साथ प्रेफर करता हूँ, मैं आपकी जानना चाहूंगा। देखिए बिल्कुल संदेह है नहीं कि आप ई-स्पोर्ट्स प्लेयर हैं क्यों नहीं, क्योंकि आप पांच के साथ जाना पसंद करते हैं। हंसते चेहरों का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। और मैं अगेन दावे के साथ कहता हूँ कि ये तो वो गेम होगा ही होगा जहाँ पे इन्फेक्टेड मशरूम बढ़िया खेलेगी और क्वालिफिकेशन वो तो फॉर श्योर होने वाला है। चलिए जब आपने बात कही दी है तो फिर मैच खत्म करते हैं, जरूरत ही क्या है, अब आपने बोल दिया है तो बंद किया जाए मैच। काम क्यों नहीं करते हम दोनों कहीं कोने में चल के रोते क्यों नहीं? ये सनॉक बहुत ज्यादा जरूरी है और मैं चाहता हूँ कि आज का दिन आपका प्रेडिक्शन में बहुत खराब रहा है, एक और खराब कर ही दीजिए। प्रेडिक्शन बताइए अपनी। आप चाहते ही नहीं हो कि मेरा दिन थोड़ा सा भी अच्छा हो? बिल्कुल नहीं। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है। देखिए मुझे सेंसे की बात याद आ गई, वो कह रहे थे कि अपने स्टोरीज में वो बता रहे थे कि तीन MVPs को संभाल पाना बड़ा मुश्किल हो सकता है और मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है इस वक्त। बस खुश हो रहा हूँ। अच्छा। जैसे जैसे आप बात कर रहे हैं मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि मैं भी अभी उस लैन इवेंट के वेन्यू के अंदर हूँ और शायद हम खड़े होकर वहाँ पे कास्टिंग कर रहे हूँ। मतलब बहुत ज्यादा आता है। ये तो आपने मेरी नॉलेज में इजाफा किया है, ये तो मुझे फैलानी चाहिए पूरी दुनिया में। ले ली इन्होंने। एंड मैं भी कास्टिंग डेस्क पे वापस आ चुका हूँ स्पीरो। मुझे कभी कभी लगता है आप अच्छे स्वागत करते नहीं है मेरा। वेट, आप चाहते हैं ना दोबारा से आपका स्वागत करूं? एक बार आपने खराब कर दिया, दूसरी बार क्यों ही खराब करना। अगर हम करें तो करें, क्या बोले तो बोले क्या। मेजी कहते हैं चूहे वाली गाड़ी, वो भी हमने देखी ऑलरेडी यहाँ पे विकेंडी के अंदर। देखिए मुझे लगता है की मेजी के कद काठी को देखा जाए तो उनके लिए वो परफेक्ट गाड़ी रहेगी। पैर आसानी से पहुंच जाएंगे उनके नीचे एक्सीलरेटर तक। इमोशन आउट डैमेज। अरे मुझे पता है आप भी बहुत ऑटोग्राफ देते हो वहां पे। देखिए मैं ऑडियंस के बीच में जाता नहीं हूँ, मुझे लगता है कि कोई लौंडा पकड़ेगा और कहेगा मेजी भाई बोल दो कि मैं जीवन में सफल नहीं होऊंगा, तो फिर मैं क्या बोलूं? ये समस्या है, क्या बोलने का? तो बोल दीजिए, जो वो कह रहे हैं उनकी बात मान लीजिए, वो बढ़िया रहेगा आपके लिए भी और आपकी जो कला है। देखिए इसके बारे में हर कोई जानता। क्या करूं मैं, मर जाऊं? पानी पी। मेरी कोई फीलिंग नहीं है। हट के एंटिटी कमबैक करे, बिकॉज सोमराज कमबैक का इंतजार कर रहे थे बाकी टीम्स का, अब उनका कमबैक का इंतजार हम सब कर रहे हैं। ले ली इन्होंने। नन्ना पिट्टी, पिट्टी कहेगा। यो हिला डाला ना। ये है असली मीम मटेरियल। जी हाँ, फिर मुझे अपनी जिंदगी की याद आई। यार मैचेस देख रहे हैं तो वो काफी मजा आ रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं हमारे ना होने से कॉम्पिटिशन कम हुआ है। आपको हटा के ही वो कंपटीशन में आगे बढ़े, वो नहीं दिखता आपको? ले ली इन्होंने। एक बार के लिए सपोर्ट तो दिखाइए, थोड़ा कम है। मैं बताता हूं ना, रुको गाइस, अगर आप शाउट नहीं करोगे तो मेजी आपकी टीम का नाम ले लेंगे। आपकी बात भी नहीं सुन रहे, हमारी बात भी नहीं सुन रहे। सेंसे आ जाओ, सुन लिया? वो रहे। और उनकी बात उनके टीममेट्स ने नहीं सुनी। देखिए मैं गाइस मैं बताना चाहता हूँ, इनके नीचे जो हाइट बढ़ाने के इन वो कुछ आता है शूज के नीचे, सोल्स वो ये पहनते हैं और अभी दोनों शूज उतार के देख सकते हैं। तो आप भी पहन लो, किसने मना किया? अरे ये दोनों पूरा दिन लड़ते रहते हैं भाई, पूरा दिन लड़ते रहते हैं। और मैं कहना चाहूंगा मैं बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ अपने आप को, पहली बार मुझे यहाँ से दीवार का व्यू दिख रहा है। स्पिरो भाई मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं आप सोच रहे होंगे मैं बार बार सिर्फ मेजी भाई को क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि मैं उधर देख रहा हूँ तो आपके माथे से ना मेरी आंखों में लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। तो सेंसे गलत बात है। और सबसे अच्छी बात क्या है ना कि आपका माथा इनके ई-स्पोर्ट्स करियर से ज्यादा बड़ा है। देखिए मेरा भी कभी कभी मन होता है कि ऐसे ही किसी महिला मित्र के साथ मैं भी साइकिल पर जाऊं। पैर पहुंच जाते हैं आपके नीचे। पर देखिए दोस्ती यारी बनी रहनी चाहिए। ग्लेचेक्स रिबॉन साइकिल पे इस तरीके से दूसरे साइड पैर करके बैठना सर चकरा जरूर देता है मेरा। आप ट्राई करके आए हैं? जी हाँ। अरे महिला मित्र थी मेरी एक, तो वो चला रही थी और आप पीछे बैठे थे। यस। चलो सही भी है, पैर भी आपके शायद पहुंचते नहीं। इमोशनल डैमेज। जब भी आप ये दो पहिया वाहन देखते हैं आप हमेशा कोई कहानी सुनाते हैं, इस बार कौन सी कहानी है आपके पोटली में? देखिए कोई कहानी नहीं है, मेरी साइकिल चोरी हो गई बस कुछ दिन पहले, तो
यही कहानी थी, बस खत्म हो गई अब तो। चलिए किसी का तो फायदा हुआ उस साइकिल से। It's almost like two guy best friends are almost gay. So just one thing away from. कैसे हैं आप, कैसी रही आपकी फ्लाइट? आप मुझसे पूछ रहे मैं कैसा हूं, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। थोड़ा नॉस्टैल्जिया हुआ हम तीनों जब आज मिले दोबारा से, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम राइट। लेकिन हाँ, वो पहली बार था जब हम मिले थे जी, और वहां से अभी तक झेल रहा हूं मैं आपको। चलिए झेलते रहिए, मैं उम्मीद करूंगा आगे भी आप ऐसे ही झेलते रहे मुझे। स्पीरो नटखट बहुत है आप, और ये चीज मुझे बहुत पसंद आती है आपके बारे में। तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। क्राफ्टेड इंडिया ईस्पोर्ट्स के इंस्टाग्राम पेज पे भी वो एक स्टोरी गई थी, और वहाँ पे मैंने 45 डॉट लिख दिया था, तो मुझे लग रहा है कि वो जा सकता। आपने 45 लिखा? जी हाँ, मैंने भी 45 लिखा। कितनी सोच मिलती है हमारी स्पीरो, बट खैर आप काफी शादीशुदा हो चुके हैं। म्यूजिक बट कोई बात नहीं, चलता है। देखिए सबका अपना अपना तरीका होता है प्यार करने का स्पीरो, और वो मीठा सा दर्द ऐसे मत देखिए मत मुझे सच्चा, वो मीठा सा दर्द मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। चलिए किसी को तो आ रहा है वो मीठा सा दर्द। अरे प्रेम में हुआ है कि क्यों चिंता करते हो तुम? देखिए आपकी चिंता नहीं करूं तो किसकी करूं, कौन ही है मेरे जीवन में चिंता करने के लिए स्पीरो। आप कभी प्यार समझ ही नहीं पाए, वो मीठा सा दर्द कभी भी आउट ऑफ फोकस नहीं जाते आप स्पीरो। मारो 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 मारो। You're still here. It's over. Go home. Oh, you're expecting a teaser. और जीरो रिकॉइल, उन्हें फिलहाल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया क्योंकि उन्होंने रूल ब्रेक किया। ये एंड टू जनरेशन।